हेलो फ्रेंड्स, झटपट बनाएंगे मखाना से 5 मिनट में हेल्दी स्नैक्स जो कि सूटेबल है सबके लिए। घर में बड़े हों या बच्चे हों, वेट लॉस कर रहे हैं, व्रत में खाना चाहते हैं, मेहमानों के आगे चाय के साथ भी रखा जा सकता है और बच्चों के टिफिन में भी डाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन को गर्म करके उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, साथ ही में डालेंगे 1/4 कप 1/4 कप मूंगफली रॉ पीनट्स। ये कच्ची मूंगफली है जिसे हम अच्छे से सेक लेंगे। करीब 1 मिनट इसे चलाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 बादाम और इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। सबसे पहले हम मूंगफली डालेंगे फिर बादाम डालेंगे क्योंकि मूंगफली को सिकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और कैश्यूज हम डालेंगे सबसे लास्ट में क्योंकि कैश्यूज पकने में बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाता है। थोड़ा इसमें किशमिश भी डाला जा सकता है। अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे और इसी पैन में हम डाल देंगे 1.5 कप मखाना और इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसे हम तब तक सेकेंगे जब तक कि ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्प नहीं हो जाता। इसे हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं पैन में। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। अब हम उसी पैन में 1/2 चम्मच घी ले लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली और रोस्ट किए हुए मखाना। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डालेंगे हम काला नमक 1/4 चम्मच, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो। साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे जब तक कि ये थोड़ा गर्म है। ध्यान रखे कि फ्लेम को बिल्कुल धीरे रखना है। अब आप इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे ताकि लाल मिर्च जो जले ना। आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खराब नहीं होगा। 5 मिनट से भी कम में ये हेल्दी और चटपटा मसालेदार स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं और अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दीजिए, इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।